चुनाव नजदीक आते ही कई नई पार्टियां और नए गठजोड़ देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस चुनाव में तीसरा मोर्चा का जलवा देखने को मिलेगा और इस मोर्चे का नेतृत्व करेंगे बाबूलाल मरांडी। टीएमसी झारखंड के सचिव दयानंद प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड विकास मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन के नए स्वरूप का खाका तैयार हो रहा है। इसमें टीएमसी के साथ साथ जदयू, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां साथ हो सकती हैं। बताइए कि हम कलकत्ता गए थे, हमको तो पता भी नहीं है, और कलकत्ता जाएंगे तो ममता जी से मिल लें, आंध्रा चले जाएंगे तो जगन रेड्डी से मिल लें, वहाँ चले दिल्ली चल जाएंगे तो केजरीवाल जी से मिल लें, कोई मतलब है यार? कलकत्ता अगर गए भी होंगे तो अपने काम से गए होंगे, निजी काम से गए होंगे, अगर ममता बनर्जी से मिलते तो बातें सामने आती। देखिए, हम गठबंधन के विरोधी नहीं रहे हैं, हम पहले भी गठबंधन किए हैं, 14 में किए 9 में किए थे, अच्छा परिणाम आया, 14 में प्रयास किए नहीं हो सका, 19 लोकसभा में भी किए। अभी क्या है कि अब समय गठबंधन का निकल चुका है, अभी समय देर हो गया, अब चुनाव घोषणा हो गया है और पार्टी अब 81 सीट के तैयारी पर है और हम लोग चुनाव में सारे सीटों पर अब प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव में पार्टी 81 सीटों पर लड़ेगी। अब गठबंधन और ये सब के लिए देर हो चुका, अब जनता के साथ गठबंधन होगा, जनता के बीच हम लोग जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर बैठा जी वर्तमान में कलकत्ता में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के सीट को बंटवारा को लेकर विचार विमर्श चल रहा है कलकत्ता में। तो पहला चरण में पलामू प्रमंडल है और बैठा जी पलामू प्रमंडल के रहने वाले हैं और उनका दावा है कि पलामू का टोटल सीट हम जीत के दिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक महागठबंधन का सवाल है, उस बिंदु पर अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टी पार्टियां अभी तक लोग शिरकत कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को महागठबंधन में निमंत्रण नहीं दिया गया है। वैसे स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष महोदय और सुश्री ममता बनर्जी का स्पष्ट मत है कि टोटल सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे। वैसे बाबूलाल जी जो झारखंड विकास मोर्चा के हैं और जदयू के लोग और तृणमूल कांग्रेस, हम लोग माने आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में हम लोग का जदयू और विकास मोर्चा के साथ गठबंधन संभव है। इधर बाबूलाल मरांडी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने भी तीसरा मोर्चा बनने के संकेत दिए हैं। देखिए, जो आगामी चुनाव हो रहा है विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी अभी हम लोग 41 सीट पर एक प्रोसेस चला रहे हैं। उस प्रोसेस के अंतर्गत जो सबसे मजबूत सीट हम लोगों का होगा उस पर हम लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और डॉक्टर अजय के आने के बाद यहाँ के लोगों में ये जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा नेता आता है पार्टी में तो पार्टी मजबूत होती है, और झारखंड में उनके आने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोग नए एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका भी लाभ मिलेगा आगामी चुनाव में डॉक्टर अजय के आने का। बाबूलाल जी से हमारे शीर्ष के नेता मिले थे, लेकिन अभी तक सूचना यही है कि इस पर अभी तक गठबंधन पर बात नहीं बनी। इस बीच जेएमएम नेतृत्व वाली गठबंधन भी बाबूलाल मरांडी से संपर्क साधने में लगी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी पहले ही कह चुके हैं कि झारखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी झामुमो कांग्रेस के गठबंधन में उनकी शर्तों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर इस बार तीसरा मोर्चा का वर्चस्व दिखेगा।